अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू होम कुकिंग विद नौशीन। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टाइल में चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 किलो के करीब चिकन, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून पानी निकला हुआ दही, और इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके हमें आधा घंटा फ्रिज में इसे रख देना है, ताकि जो चिकन है वो दही में अच्छे से मिल जाए और बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। अब 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है हमें एक मिक्सी के जार में, और 2 बड़े कटे हुए टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे सारे पाउडर मसाले, जैसे कि सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही में इसमें हम ऐड करते जाएंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। आप अपने अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। देख सकते हैं मसाला बन चुका है। 2 टेबल स्पून ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है हमने, और ये सारा पिसा हुआ मसाला डालकर इसे 3 से 4 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है कि ऑयल जो है सरफेस पे आ जाए और मसाले में जो कच्चेपन की स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट में देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से मसाला भून चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन, जो कि हमने सिर्फ इसे दही के साथ मैरिनेट किया था, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल की चिकन रेसिपी है, तो आपको जब भी कुछ डिफरेंट खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब ये 2 जो प्याज है मैंने ब्राउन कर ली थी, तो अब इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे क्रश करके ऐड कर सकते हैं, पीस के ऐड कर सकते हैं, या इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे इसी तरीके से ऐड कर रही हूँ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारी ग्रेवी है उसकी क्वांटिटी को थोड़ी बढ़ा देती है और इसका फ्लेवर और इन्हेंस कर देती है ब्राउन प्याज डालने से, तो हमारी जो ग्रेवी होती है बहुत ही रिच लगने लगती है। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिला लेंगे, और तकरीबन ये भूनने पर आ जाए जब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 ग्लास, और 3 विसल ले लेंगे ताकि चिकन कुक हो जाए। और ये बनकर रेडी हो चुका है, तो आप इसे बटर नान के साथ, मुगलई नान के साथ, या फिर लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।